स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टेम्परेचर, ताप, ताप से रिलेटेड बहुत ही जानकारी लेने वाले फ्रेंड इस वीडियो में। फ्रेंड जैसे कि ताप क्या होता है, कैसे नापा जाता है ताप को, सूर्य का ताप कैसे नापा जाता है, कोई ताप मापी खराब पड़ जाए उससे सही ताप कैसे मापते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स टेम्परेचर क्या होता है, फ्रेंड्स टेम्परेचर क्या होता है, किसी वस्तु गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। यानी कि फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ताप को देखा। फ्रेंड्स इस ताप को मापने के लिए जो पैमाने यूज किए जाते हैं, पहली बात तो फ्रेंड्स ताप को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ताप मापी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, ताप मापी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इस ताप मापिया में जो स्केल्स बने होते हैं, जो स्केल्स जो पैमाने बने होते हैं फ्रेंड्स, वो चार प्रकार के पैमाने बने होते हैं। आप लोग जानते भी होंगे फ्रेंड्स कौन कौन सा है। पहला फ्रेंड्स सेल्सियस पैमाना, कौन फ्रेंड्स, सेल्सियस पैमाना है। और दूसरे का बात करें फ्रेंड्स, दूसरे का है तो ये है केल्विन कहलाता है। क्या फ्रेंड्स, केल्विन। तीसरे की बात करें तो फ्रेंड्स ये फारेन हाइट। क्या फ्रेंड, फारेन हाइट। और चौथे की बात करो तो फ्रेंड्स ये होता है रिउमर। क्या फ्रेंड्स, रिउमर। ये चार स्केल्स हैं फ्रेंड्स जो किसी तापमापी पर बने हुए होते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक थर्मोमीटर दिख रहा है। क्या फ्रेंड्स, थर्मोमीटर दिख रहा है। फ्रेंड्स थर्मोमीटर में क्या होता है कि इसमें एक कांच की ट्यूब होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, कांच की एक ट्यूब होती है। फ्रेंड्स एक कांच की ट्यूब होती है, यहाँ पर एक कुंड होती है और इसके बीच में एक बारीक सी नली होती है। ये फ्रेंड्स जो बारीक सी नली होती है, यहाँ पर कुंड होता है। इस कुंड में क्या भरा जाता है, जनरली फ्रेंड्स इस कुंड में पारा भरा जाता है। क्या फ्रेंड्स, पारा भरा जाता है। वैसे भी और इसमें कोई लिक्विड ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अल्कोहल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। फ्रेंड्स इसकी कांच की दीवारों पर, जो कांच की दीवार होती है फ्रेंड्स, इस पर क्या बने होते हैं, पैमाने बने होते हैं। फ्रेंड्स जो भी पैमाना बना होता है इसकी दीवारों पर, ये जैसे आपको पैमाना दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पैमाने पर, इस कांच की दीवार पर जो भी पैमाना बना रहता है ये वही कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स अगर सेल्सियस पैमाने बने हो तो ये सेल्सियस थर्मोमीटर हो जाता है, अगर केल्विन बना तो केल्विन थर्मोमीटर हो जाता है, फारेनहाइट बना फारेनहाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी पैमाना इस पे बने रहता है वो इसी में इसकी माप देता है। फ्रेंड्स ये मापता कैसे है, ये कुंड यानी कि ये थर्मामीटर जब भी किसी गर्म बॉडी के संपर्क में आता है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी गर्म बॉडी के संपर्क में आता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये पारा इस नली में ऊपर चढ़ने लगता है, ये पारा इस नली में ऊपर चढ़ने लगता है। और जितनी ऊपर आता है यहाँ से हम उसकी रीडिंग दे लेते हैं, उसके सामने का मापांक दे लेते हैं, और इस तरह से हमको किसी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो होती है नली थोड़ी सी मुड़ी होती है। फ्रेंड्स ये नली इसलिए मुड़ी हुई होती है कि जो पारा इसमें से चढ़ जाए, जब गर्म बॉडी के संपर्क में रखा जाता है, जब पारा इसमें से ऊपर चढ़ जाए तो पारा तुरंत ऐसे नीचे भाग ना जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ मुड़ी हुई होती है ताकि हम आसानी से रीडिंग ले सकें। क्या करें, आसानी से रीडिंग ले सकें। फ्रेंड्स ये आपको लाइन डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद हम जब भी बात करेंगे इस लाइन डायग्राम से ही बात करेंगे, अर्थात इसके जमांक बिंदु क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसके बीच में ही सारी बातें कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने आपको बताया इसमें क्या बढ़ा रहता है, पारा बढ़ा रहता है। तो फ्रेंड्स इस पारे के बारे में जान लेते हैं। पारे का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो HG होता है, आप लोग जानते होंगे। पारे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 38.83 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड कितना होता है फ्रेंड्स, 38.83 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ्रेंड हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। कितना फ्रेंड्स, 356.7 डिग्री सेल्सियस, आप ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट और रिउमर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड लेते हैं सेल्सियस पैमाना। तो फ्रेंड जो सेल्सियस पैमाना होता है, सबसे पहले इसकी खोजकर्ता की बात कर लेते हैं, कौन इसे खोजा है, डिस्कवर कौन किया है फ्रेंड्स। तो इसकी खोज की थी एंडर्स, एंडर्स सेल्सियस ने। कौन फ्रेंड्स, एंडर्स सेल्सियस ने इसकी खोज की थी।
कॉन्फ्रेंस एंडर सेल्सियस, आप ये याद रखेंगे, एंडर सेल्सियस अपने नाम पे ही इस पैमाने का नाम रखा गया है, इस थर्मामीटर का नाम। अगर फ्रेंड्स कोई थर्मामीटर सेल्सियस पैमाने पर है तो इसमें जो जल का जमाव बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। हम फ्रेंड्स अब लाइन डाइग्राम से ही बात करेंगे। ये थर्मामीटर का मिनिमम पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है फ्रेंड्स। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है और फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, किसमें, सेल्सियस पैमाने पे। आप ये याद रखेंगे फ्रेंड, इसका यूज भी बाद में करेंगे चारों पैमाने पे, जो आप क्या पैमाने देखे हैं फ्रेंड इसका रिलेशन यूज करने में। तो आप इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है सेल्सियस पैमाने पे और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलांग होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस पैमाने पे। फ्रेंड्स ये 0 से 100 के बीच में पैमाने बने हुए होते हैं फ्रेंड्स। इसके बीच में यानी कि 100 भाग होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 100 छोटे छोटे भाग होते हैं फ्रेंड्स। एक खाने की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये जैसे एक खाने, एक छोटे से खाने की बात करूँ तो ये कितने का होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से। 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि अगर पारा थोड़ा सा चढ़ा, एक पॉइंट चढ़ा तो हम कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 2 पे चढ़ा तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यानी कि फ्रेंड्स इसमें एक खाना 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने इसमें भाग होते हैं फ्रेंड्स, 100 छोटे छोटे भाग होते हैं, खाने होते हैं फ्रेंड्स। हमारे केल्विन की बात करके, इसकी फ्रेंड केल्विन की इसकी खोज किए थे कौन फ्रेंड्स, इसकी खोज किए थे विलियम थॉम्सन ने इसकी खोज की थी फ्रेंड्स। आप ये याद रखेंगे, इन्हीं को कहा जाता है लॉर्ड केल्विन। क्या फ्रेंड्स, लॉर्ड केल्विन, ये इनके नाम पे ये रखा गया है, लॉर्ड केल्विन कहा जाता है फ्रेंड्स। इसकी खोज की थी विलियम थॉम्सन या लॉर्ड केल्विन कहा जाता है फ्रेंड्स। आप ये याद रखेंगे, केल्विन की खोज की थी फ्रेंड्स। जो केल्विन पैमाना होता है, केल्विन पैमाना होता है, इस पे जो जो जल का जमाव बिंदु होता है, हिमांक होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, वो होता है फ्रेंड्स 273 केल्विन। और फ्रेंड्स इसका जो भाप पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 373 केल्विन। तो फ्रेंड इसके बीच में भी कितने भाग होते हैं, 100 बराबर भाग होते हैं और एक भाग 1 केल्विन का होता है। कितने का फ्रेंड्स, 1 केल्विन। फ्रेंड्स आप केल्विन को सिर्फ के लिखेंगे सिंपली, इसके इसके ऊपर डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर डिग्री लगा मिल जाए तो वो गलत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डिग्री लगा ना गलत है, केल्विन सिर्फ के से प्रदर्शित होता है, आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर हम फारेनहाइट की बात करें, फारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इसकी खोज की थी गैब्रियन, कौन फ्रेंड्स, गैब्रियन फारेनहाइट ने, गैब्रियल फारेनहाइट ने की थी फ्रेंड्स इसकी खोज। तो आप ये याद रखेंगे, इसकी खोज की कौन के, गैब्रियल फारेनहाइट ने की थी फ्रेंड्स। इसका जो क्या फ्रेंड्स, इसका जो जल का जमाव बिंदु होता है वो होता है 32 फारेनहाइट। कितना फ्रेंड्स, 32 फारेनहाइट। और फ्रेंड्स इसका भाप पॉइंट होता है 212 फारेनहाइट। इसके बीच में कितने खाने होते हैं फ्रेंड्स, 180 बराबर खाने होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 180 बराबर खाने इसके बने होते हैं और एक खाना 1 फारेनहाइट का होता है, आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर हम र्यूमर पैमाने की बात करें, किसकी फ्रेंड्स, र्यूमर पैमाने की बात करें तो इसकी खोज कौन की थी फ्रेंड्स, एंटोइन फरचाल्ड, कौन फ्रेंड्स, एंटोइन फरचाल्ड डी र्यूमर ने इसकी खोज की थी। फरचाल्ड डी र्यूमर ने इसकी खोज की थी फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे, कौन फ्रेंड्स, एंटोइन फरचाल्ड डी र्यूमर ने इसकी खोज की थी, आप याद रखेंगे फ्रेंड। जो र्यूमर पैमाना होता है, इसका जो जल का जमाव बिंदु होता है वो होता है 0 र्यूमर पे और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स 80 र्यूमर पे। इसके बीच में कितने खाने होते हैं फ्रेंड्स, 80 बराबर खाने होते हैं, आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर हम डिस्कस करें इन चारों पैमाने के, इन चारों सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट और र्यूमर के चारों पैमाने में संबंध की बात करें तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसे संबंध निकल के आता है फ्रेंड्स। अगर इसके खानों की बात करें, कितने खाने होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 100 खाने, इसमें भी 100 खाने, इसमें 180 खाने फ्रेंड्स और इसमें 80 खाने होते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा खाने किस में होते हैं, फारेनहाइट में। अगर हम खानों के संदर्भ में बात करें तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कई बार फ्रेंड्स इन खानों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेल्सियस केल्विन तुम बराबर हो, सेल्सियस केल्विन तुम बराबर हो, फारेनहाइट सबसे बड़ा है, ये र्यूमर है। क्या फ्रेंड्स आप ऐसे इसको याद रख सकते हो सिंपल से, सेल्सियस केल्विन तुम बराबर हो, फारेनहाइट सबसे बड़ा है, ये र्यूमर है।
ये रूमर उड़ा हुआ है फ्रेंड्स कि केल्विन सेल्सियस आपस में बराबर और फारेनहाइट सबसे बड़ा है। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये बात हो रही है इसमें कितने खाने हैं, खानों के संदर्भ में आप इससे याद रख सकते हैं। अगर फ्रेंड इसके रिलेशंस की बात करें तो ये जीरो पर क्या होता है, सेल्सियस पैमाने पर जीरो पे जल जमता है और 100 पे उबलता है। तो फ्रेंड इसको कैसे रिलेशन से निकालेंगे आप ये याद रखिए। इसके बीच में हम कोई टेम्परेचर सी डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, कितना फ्रेंड? सी डिग्री सेल्सियस। तो सी माइनस जीरो बटे 100 माइनस जीरो, कैसे फ्रेंड? सी माइनस जीरो 100, 100 माइनस जीरो करेंगे, बराबर लगाएंगे फ्रेंड्स के माइनस 273, के माइनस 273 बटे 373, 373 माइनस 373 माइनस 273 बराबर फ्रेंड्स एफ। इसके बीच में कोई पैमाना है, कोई एफ एफ रीडिंग ले सकते हैं और इसके पैमाने आर ले, आर रीडिंग ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो एफ माइनस 32 बटे 212 माइनस 32, ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आर माइनस जीरो अपान आर माइनस 80 माइनस जीरो के। तो फ्रेंड जब इसको साल्व करेंगे, इसको साल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर आर बटे 4। इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये रिलेशंस निकल के आता है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। इससे आप याद रखेंगे सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर आर बटे 4। ये रिलेशंस कैसे निकल के आपने ये देखा फ्रेंड। अगर हम बात करें सूर्य का ताप किससे नापा जाता है, सूर्य का ताप किससे नापा जाता है? तो पायरोमीटर से। किससे फ्रेंड्स? पायरोमीटर से नापा जाता है। इसे उत्तापन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये जो तापमान होता है इसे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के संपर्क में रखने की जरूरत नहीं, ये दूर से ही ताप माप लेता है, सब ऑब्जेक्ट की दूर से ही ताप माप लेता है फ्रेंड्स। अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें, वह ताप फ्रेंड्स ट्रिपल पॉइंट की बात करें जिसपे फ्रेंड्स जिसपे कोई कोई पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है, किसके इसमें फ्रेंड्स? ठोस द्रव गैस में पाया जाता है, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। आप इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।